इंट्रोड्यूस करवाओ अपने आप में, हम बता दो। ये पांच बंदों की फैमिली थी और एक दूसरे को बताए बगैर अलग अलग पॉइंट पे ये सारे बातें, उस दिन उस रात थी। चार बच्चे ना मेरे और मैं, उस दिन जो वीडियो वायरल हुई है वो मेरी, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ सर, ये तो अभी तीन दस्ते थे पुलिस के ना जो खड़े थे, उनसे मैं ये कह रही थी कि आप मतलब किस उससे, मतलब क्या हम पाकिस्तानी नहीं है या आप इंडियन हो या हम इंडियन हो, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, बताओ ना किस लिए आए हो। वो कहते हम मजबूर। मैंने कहा तुम्हें रिजक उसका कोई अल्लाह पे भरोसा नहीं है, रिजक तो उसने देने, आज कह देते सब इनकार कर देते तुम। मैंने कहा वो तुमसे इतना प्यार करता है, हमें तुम्हें आमने सामने नहीं चाहते थे खान साहब, तो मैं इसलिए रो रही थी उनसे, मैं कह रही थी कि वो तो ये चाहते ही नहीं थे, आप लोग फिर इस तरह से मतलब कर रहे हो। तो वो SP था ना एक, उसने देखा कि मतलब ये बड़ा बोल रही है, उसने कहा पकड़ो इसको डाले में डालो। मैंने कहा हाँ डाले में डालो, मुझे सारी गोलियां यहाँ खा कर जाऊंगी, जिंदा नहीं जाऊंगी। तुमने क्या समझाया? वो कहता है उसने मुझे गाली दी ना SP ने। हाँ जी, पता वो कौन था? अब मुझे ये पता है, अगर पता होता मैं अपने घर जाती। खान साहब मॉल रोड पे था वो, SP मॉल रोड पे उसने गाली दी। आपने खान साहब वीडियो देखी होगी उनसी पुलिस वालों से जो फाइट कर रही थी, मैं नहीं छोड़ती होती बदनामी। मैंने उसी वक्त मैंने कहा जो मुझे गाली दी है वो तेरी माँ तेरी बहन बगैरत के बच्चे, ये तो बड़ा बोल रही है इसको। तो फिर मुझे इधर सोची मारी अच्छी सी ना जरा जोर से, मैंने कहा सोटी से क्या होता है, गोली मारो ना, मारो गोली इधर, हमारी ऐसी की तैसी तुम्हारी, आए हो तुम लेने के लिए खान को, हाथ तो लगाकर देखो पहले हमें मारो ना, फिर उधर पहुंचना तुम, हमारी जुरत तुम्हारी। अच्छा जी, वो लगे हुए थे उस वक्त, तो मैं मुझे उस वक्त इतना समझ नहीं आ रही थी कि क्या, मुझे ये था कि मैंने आप, मैंने कहा आप बेटा भाई हो हमारे, तुम पैदा होते हो हम दुआएं करती हैं, हम माए हमारे बेटा दे अल्लाह भाई दे, आज तुम इस वर्दी में पहन के हम पे गोलियां चलाने आ गए हो, क्या हम इंडिया में? अच्छा तो